कलाम साहब राष्ट्रवत में पहले थे, राष्ट्रपति बाद में थे। जीवन में व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच सकता है, क्या से क्या कर सकता है और आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन को कैसे ढाल सकता है, इसका उत्तम उदाहरण श्रीमान अब्दुल कलाम। शब्द नहीं, उनका व्यक्तित्व बोलता था और वे साधारण व्यक्ति थे लेकिन असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टाइज, एनलाइटन ह्यूमन बींग्स कैन बी क्रिएटेड बाय टीचर्स। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को तो निकट से हम लोगों ने देखा है और बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और यानी सचमुच में उनका वो पैशन था। उनको किसी ने पूछा था एक बार कि आप क्या चाहेंगे, लोग आपको कैसे याद रखें, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा कि लोग मुझे अगर याद रखना है तो टीचर के रूप में याद रखें। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के दूसरे ही दिन वे चेन्नई चले गए और चेन्नई में जाकर के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और जीवन के अंतकाल में भी विद्यार्थियों के साथ अपने विचारों का विमर्श करते करते ही उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। यानी ये भीतर शिक्षक के प्रति अपने आप में संजोया हुआ समर्पण भाव कितना उत्तम होगा कि जिसके कारण वे एक पल भी जीवन में विद्यार्थी से अलग नहीं हो पाए, विद्या के मार्ग से अलग नहीं हो पाए और हर पल नई प्रतिभाओं को खोजते रहे।